सिनेमा से सीएम तक जया जी की लाइफ रही है तो हम ऐसा माने कि आपकी भी लाइफ सिनेमा एंड अब आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे लाइक पॉलिटिक्स ज्वाइन करते सिनेमा से सीएम तक आपको भी हम देखेंगे वेल well, uh, मैंने जैसा आपको कहा कि मेरे लिए पॉलिटिक्स का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा अनजान है Uh, और मैं मैं देश के बारे में अगर आज बात करती हूँ राष्ट्रवाद के बारे में बात करती हूँ या मैं uh, किसानों के बारे में लॉस के बारे में जो मुझे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं तो मुझे कहा जाता है कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ uh, ऐसा कुछ नहीं है मैं लाइक ए सेड फॉर मी मैं एक नागरिक के तौर पर हर चीज़ पर रिएक्ट करती हूँ uh, और पॉलिटिक्स से मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं है मगर जैसा मैंने कहा कि जब uh, कुछ लोग बहुत ज्यादा नाराज़ हो गए इस बात से कि मैं राष्ट्रवाद की बात क्यों करती हूँ या यू you नो know, या या मुझे इतनी क्या पड़ी है कि मैं फार्म लॉ के बारे में बात करूँ उनको इस बात से तकलीफ हो रही है कि वो चाहे तो वो कर सकते हैं उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं पर मेरी हिम्मत कैसे कि मैं कहूँ तो ये उनकी तकलीफ है तो उनको जब इतनी तकलीफ हुई इतनी पीड़ा हुई इतना दर्द हुआ तो उसके करके उन्होंने कई तमाशे किए जो सबने देखे बट फॉर मी जब मैं ये तमाशों के बीच में से गुजर रही थी और मैं सेट पे जाती थी और इन्होंने भी एक सेट लगाया होता था राज्यसभा पार्लियामेंट कोई कुछ असेंबली एंड आई एम गेटिंग यू नो काइंड ऑफ देयर इन टर्म्स ऑफ जो जयमा का एक्सपीरियंस था उनकी मतलब काफ़ी um, उनको बुरा से ट्रीट किया जा रहा था वैसे ही सीन्स भी शूट हो रहे थे साइमल्टेनियसली तो मुझे काफ़ी अनकैनी लगा और बहुत ही ज़्यादा um, अजीब सी मेरे मुझे वो एक फीलिंग आती थी ऐसा लगता था जैसे रील और रियल लाइफ बिल्कुल आपस में एकदम ब्लेंड हो गई है पर आई डोंट नो इट्स वेरी मिस्टीरियस